सीएससी भी है इनके पास। हाँ जी, अगर हम सीएससी के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है 174 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि 165 का एक स्टॉप लॉस बनता है। अगर 175 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है तब हमें इसमें फिर से एक फ्रेश बाइंग दिखाई देगी। वहां से स्टॉक को ये 185 से लेकर 188 के लेवल तक भी पुश कर सकती है। सो दोनों ही स्टॉक काफी अच्छे हैं और जो एक्सपेक्टेड जो सपोर्ट लेवल्स बताए गए हैं, जब तक दोनों स्टॉक पकड़ के रखते हैं हम अपसाइड के मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सीएससी भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी है, 9.5% अभी ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। प्रदीप जी, क्या सलाह होगी आपकी सीएससी में? ये सी इनफैक्ट 157.65 का जो इसका मई की शुरुआत में जो टॉप बना था उसको काट के एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने आज फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया। तो मेरे हिसाब से अगर ये जिस तरह से 1.5-2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट आया है तो भले ही आज करीबन 9 टका का ऊपर है पर इसमें हेडरूम और भी बनता है ओवरऑल फॉर्मेशन को देखने में। तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने के एडवाइस देंगे क्योंकि एक स्टीप अप मूव आई है तो जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो थोड़े से डीप हैं। 153 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है आर्ली चार्ट पे, तो उसी के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करना चाहिए और यहाँ से फर्दर 10-12% की अपमूव की गुंजाइश है। ठीक है, तो ये है सलाह सीएसई पर, यहाँ से 10 से 15% की तेजी।